Bismillahirrahmanirrahim. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ab kaise haal hai? Ab theek ho? Sorry. Assalamu alaikum. Bahut time ho gaya. But fine rahi. Ja ka ta PC. Sorry. Ji. मैं आज मैं वीडियो बनाए नहीं आज शूट कर रही हूँ और आप पता है मैं अब एक बात कर रही हूँ वो है मेरा अबू वो पहले वो आन भी और भी वो है पहले यू लच मेरा अंकल पक्का है बहुत टाइम हुई है कभी तब बहुत छुट्टी मैं बहुत छुट्टी बेटर बहुत प्यार करती है वो बेटा मैं जो क्या कहती हूँ यू लेस अकल मैं जो कहती हूँ एम एच अबू का एम एच मैं का हाँ एम एच वो है यू लेस अकल ये है जैन जब छोटी थी तो ये घर वालों को तंग करती थी कि मुझे ले चलो उधर तो रात के 11-12 बजे भी आ जाती कि जी तंग कर रही है कि उधर ले चलो जी उस वक्त याद है जी ये है यू लच अंकल है ना उसकी बीटी है चबा मिसबा अस्सलाम वालेकुम क्या हाल है आपका बिल्कुल ठीक ठीक बिल्कुल सही वो किधर आशी आशी हाँ जी आशी अमेरिका है अनीला बीच वाली बहन वो अमेरिका है वो ठीक है वो ठीक है हाँ जी तो आपको YouTube चैनल पे आपको देखा और अम्मी अबू को पुरानी यादें सारी तो मैंने कहा आपको मिलवाना है अम्मी अबू के साथ तो मैं बहुत दिल हैप्पी हूँ और अगर ये और आंटी आइए हमें बहुत खुश बहुत बहुत टाइम हो गई है बहुत टाइम और पहले मैं जो कहती चलो घर अगर कार भी बैठ रही है और मैं जो कार चला रही है तंग करता घर वालों को तंग करके मेरे घर आई के आओ घर चले नहीं मैंने इधर ठहरना भी ठहरना ले नहीं बहुत अच्छा टाइम था वो बहुत अच्छा मैं बहुत हैप्पी हूँ अंकल और आंटी आई है और बीटी आई है और अच्छा कैप्चर करे एक और बात है वो कह रहे हैं जी मैं पता कर दूँ खाना खाना पता क्या खाना मैं आपको सारा भेजूंगी फिर आप इंशाल्लाह नेक्स्ट टाइम मैं आऊंगी ब्रांड न्यू जैन इंशाल्लाह आप बहुत अच्छी हो अभी भी माशाल्लाह बहुत अच्छी हो और बहुत शुक्रिया आपकी बहुत हैप्पी हूँ इंशाल्लाह मैं आऊंगी अंकल बाद आऊंगी इंशाल्लाह अब आप आना हमारे पास आना उधर इंशाल्लाह नहीं जब भी जब दिल करता मैं और अम्मी अबू घर पे ही होते हम चलो मैं बिल्कुल बिल्कुल वो तो पहले भी आती थी उस वक्त छोटी थी ना बिल्कुल अच्छा आप बताओ पहले स्टोरी बताओ ये मेरा अबू थ्री मेरा अम्मी थ्री हाँ बताओ वो कह रही है कि हाँ वो जैन कह रही है जो आपकी मेमोरीज है उनके अबू की अम्मी की
वो बताए। ये आपके अबू आर्मी चीफ जब बने तो मुल्तान थे, उस वक्त मुल्तान थे और मैं भी मुल्तान था। अच्छा। इन्होंने पहले हम नहीं मिले हुए थे, पहले मुलाकात नहीं थी, वहाँ मुलाकात हुई मुल्तान में। मैं कोर अठिल्ली में था और ये कोर कमांडर थे वहाँ। तो उसके बाद ये वहाँ से जब आर्मी चीफ बने तो उन्होंने मुझे भी बुला लिया वहाँ से इधर GHQ में स्टाफ में। तो वहाँ पोस्टिंग हो गई। फिर बाद में साल दो के बाद मैं MS बन गया उनके साथ। तो विजिट वगैरह पे जाते थे, मुख्तलिफ मुल्कों में तो मैं साथ होता था। तो वो कहते थे, मैंने कहा क्या खाना है आपने रात को, वो पूछते थे आके, तो मैं पूछता था क्या खाना है, वो कहते थे तुम ऑर्डर कर दो। तो मैं साल अमेरिका कोर्स करके आया था तो अमेरिकन खाना अगर अमेरिका में है तो अमेरिकन खानों का मुझे पता था कि क्या स्टेक खाते हैं, वेल डन होना चाहिए या थोड़ा पका होना चाहिए। तो वो कहते थे तुम ऑर्डर कर दो। पसंद आ गया था ना खाना। फिर हम बैठ के खाना खाते थे मुख्तलिफ जगहों में, जब विजिट्स पे, कभी यूगोस्लाविया, कभी इंग्लैंड, कभी अमेरिका। तो ज़िया साहब के साथ मैं टेनिस खेलता था, मैं उनका पार्टनर था टेनिस में। तो रोज़ हम दफ्तर के 3-4 बजे मैं निक्कर पहन के उनके दफ्तर चला जाता था तो उन्हें पता लग जाता था कि अब टाइम है टेनिस का। तो कहते हैं अच्छा मैं भी कपड़े बदलता हूँ। वो पतलून पहनते थे और एक बुशर्ट सफ़ेद और PT शूज। तो फिर हम दोनों पार्टनर थे टेनिस के, वो खेल के। तो फिर वो उधर चले जाते थे तो मैं उनको खुदा हाफिज करता था। मेरा घर उधर ही था, याद है खादम हुसैन रोड पे 58 कोने में घर था मेरा, EME मेस के नज़दीक। तो फिर घर में भी काम होता था, घर में फाइलें बहुत, आपके अबू फाइलें आदत फाइलें बेचते हैं कि ये इस पर हुक्म करें। तो उनको फाइलें पढ़ने की आदत नहीं थी, वो ज़बानी पूछ लो तो फौरन जवाब देते थे लेकिन फाइलों से नहीं, नज़दीक नहीं जाते थे। इतना बंडल, कोई 30-40 फाइलें रोज़ जाती थी फिर वापस आ जाती थी अगले दिन सुबह, नहीं देखते थे। तो फिर मैंने वो भेजना ही छोड़ दिया, खुद ले जाता था घर में, मैं खड़े होकर फिर बिठा के तो एक एक करके रखता जाता था, वो फैसले करते जाते थे। तो एक स्टेज आया कि लोग कहना शुरू हो गया कि इनको कैसे वक्त मिल जाता है फाइलें देखने का, कैसे एकदम आ जाती, एक दिन देते हैं दूसरे दिन आ जाती है, नहीं तो महीना महीना दो दो महीने इनसे
नहीं निकलती थी। तो और मुझे उनकी आदत का पता लग गया कि क्या उन्हें पसंद है और क्या नहीं पसंद है, कैसे उसकी उनकी नज़र पकड़नी है, अटेंशन लेनी है, क्या कौन सा फाइल पहले रखे वो देख के। उनको टाइपिंग बड़ी पसंद थी, अच्छी टाइपिंग। अरे अरे एक और बात है, वो आन जान भी वो मैं उठेगी अकल बात फाइल फाइल भी अकल बोले ये क्या है, ये क्या बात करी क्या। मैं क्या मैं बोले पहले ही था कब जैसी थी, वो बोला जी वो बोलाओ बोला जी क्या है। अच्छा बताओ जी पहले ऑफिस वो कब जैसी थी फाइल क्या बोले आप बोले वो जो गलती की थी उन्होंने कैप्टन सदीक ने, तो जैन ने कहा कि मैंने नहीं किया ये कैप्टन सदीक ने किया, तो आप मुझे क्यों डांट रहे हो, गलती उन्होंने की। सदीक का भी सदीक के साथ भी रहती थी घर में, तो सदीक को मैंने एक दिन डांटा तो ये भी उधर कहती क्यों डांटा। तो लेकिन फाइल मैंने फिर एक सिस्टम बनाया कि ज़िया साहब आपके अबू फाइलें नहीं देखते थे, ज़ुबानी फैसले करवा लो बताओ और फैसले करवा लो। तो फिर एक वक्त आया कि मैंने फाइल देने ही बंद कर दिया उनको, घर ले जाते थे सुबह उठा के फिर ले आते थे, फिर शाम को ले जाते थे फिर अगले दिन वापस, तो मैंने देने ही बंद कर दिए। फिर मैं खुद जाके खड़े होके एक एक करके बताता था कि ये है तो इसका ये वो डेलीगेशन जा रहा है तीन बंदों का, अभी इस पे उन्होंने रोकना तो नहीं है उस डेलीगेशन को, तो वो कहते ठीक। तो मैं लिख देता था कि अप्रूव्ड बाय द COAS चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ, और मैं खुद साइन कर देता था क्योंकि वो साइन नहीं करते थे क्योंकि पढ़ना उनके नहीं कर पढ़ते नहीं थे, ज़बानी आप पूछ ले तो फैसला दे देते। मैं ऐसे हूँ कि आप मुझे कुछ मतलब राइटिंग में ला के दो मुझे नहीं याद, लेकिन विजुअल कुछ भी याद रहता है। मेरी बहन जो है वो बिल्कुल ऑपोजिट है मुझसे, वो राइटिंग में सब कुछ। तो बच्ची है कि बहुत अच्छा टाइम गुजरा, बहुत अच्छा था वो टाइम। नहीं आप भी छोटी सी थी मैं भी छोटी थी, ये मुझे याद था जी मुझे छोटी थी और अगर थी भी थी एक छोटी वाली राशि आशी बेटी छोटी आशी है वो बहुत शरारती थी और वो आज तक शरारती मुझे याद है ओह माय गॉड ज़ैन अभी भी वो ऐसी है अभी भी अमेरिका में रहती है वो अभी भी ऐसी है शरारती मैंने उसे गोल्फ सिखाया जब छोटा था तो उस वक्त मैंने साथ गोल्फ पे। तो पर डिजाइन को याद है कि आशी कितनी शरारती वो आ जाती थी वो मेरे साथ आती थी ना वो अबू के साथ ऐसे पकड़ के वो जैसे आप अपने अबू के साथ थी ना आशी अबू के साथ ये तैयार हो रहे होते थे जाना पार्टी में डिनर में दया साहब भाई के साथ वो क्या करती थी मुंह से चुप रहती थी और अंदर कपड़े बदल कर के जूते पहन के अभी ये बाहर नहीं निकलते थे तो कार में पिछली सीट पे छुप के बैठ जाती थी।
वो पहले से ही गाड़ी में बैठ जाती थी, शरारती थी बहुत शरारती। बट ये कहते हैं कि ये कहती है अबू ने कुछ नहीं कहा मुझे, फिर मैं क्या अबू क्या कहते हैं जैन अपने अबू के साथ। थैंक यू जैन, बहुत शुक्रिया आपका। एक बेटा है एक बेटी है। बेटा इज गॉन, छोड़ नहीं अबू, मेरा बेटा इज गॉन। उसका एक बेटा एक बेटी, आशी का अमार है और अनाया है। हाँ जी अच्छा, आपकी बहुत बहुत शुक्रिया, आप आयु आई है बहुत बहुत शुक्रिया। आप क्यों जाए बेटोला वगैरह, वो उधर शुक्रिया कर रही है, वो उधर फोन में शुक्रिया कर रही है। बस हो गया ना शुक्रिया। अच्छा शुक्रिया आपकी बहुत शुक्रिया। I know जैन के साथ तो मुझे इतना लगता ही नहीं कि अपना ख्याल करो और इंशाल्लाह और आप भी थोड़ा विचार करो, मैं आपकी दुआ करती हूँ और इंशाल्लाह लियो वीडियो बहुत चलती इंशाल्लाह। ओके अल्लाह हाफिज़।